2022 का विधानसभा चुनाव कितना रोचक और चौंका देने वाला रहा ये आप भली भांति जानते हैं। और जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो प्रत्याशियों ने जुलूस निकाल कर जश्न मनाया, किसी ने रंगों की होली खेली, किसी ने खूब आतिशबाजी की। लेकिन इस बीच एक ऐसा जीता हुआ प्रत्याशी भी था जिसने एक यूनिक तरीके से अपने जीत का जश्न मनाया, और वह जश्न के तौर पर एक बालाजी के मंदिर में गया। वहाँ उसने भंडारे का आयोजन किया, साथ ही पूजा अर्चना भी की। तो देखिए कौन है वो प्रत्याशी जिसने इस तरीके से अपने जश्न को मनाया है। इस वक्त हम देहरादून के सहसपुर विधानसभा सीटें मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है सहदेव पुंडीर जी, जिन्होंने लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाई है जीत की। बातचीत करेंगे सहदेव जी, आपने हैट्रिक लगाई है, क्या कुछ जीत का मंत्र रहा? अब हैट्रिक लगाई तो जीत का मत प्रतिशत तो लगभग 51% है, 49% के लगभग सभी कैंडिडेट जितने प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 51% मत हासिल हुए हैं। प्रतिशत अब आप आइडिया लगा सकते हैं उससे कि जो हमने विकास किया है, जनता ने उस विकास का हमें क्या नाम से समर्थन किया है, उस विकास को जनता ने सराहा है। और जनता का विश्वास है कि अगर क्षेत्र का विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए जो हमारे जीत का जो मत प्रतिशत है पिछली बार से 10% बढ़ा है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार आपकी? प्राथमिकताएं जो क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जैसे जैसे क्षेत्र से जो सुझाव आएंगे सबका मार्गदर्शन मिलेगा, उस आधार पे हम क्षेत्र का विकास करेंगे जो रुके हुए कार्य हैं। लगातार देखा जाए तो बहुत कुछ हद तक विरोध भी था कुछ जगहों पर, क्या मानते हैं बड़े नेताओं का असर भी रहा, मोदी मैजिक भी रहा? देखो हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं है आज, वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, भाई उनके नेतृत्व तो हम लोग काम करते ही हैं, उनका तो असर होना स्वाभाविक है, ठीक है ना, उनका तो असर स्वाभाविक है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं जिसमें हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास को साथ लेकर हम लोग जो है क्षेत्र का देश का प्रदेश का विकास करेंगे, और हमारे लिए सर्वोपरि राष्ट्र हित है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे साथ इनकी पत्नी भी मौजूद, से बात करेंगे। आपने भी बहुत मेहनत करी इस दौरान, नारी शक्ति में लगातार, सीएम की पत्नी हो या आपने बहुत मेहनत करी, क्या कुछ रहा? बहुत मुझे महिलाओं का बहुत सहयोग मिला है, बहुत अच्छा रहा है। आपने देखा ये सीएम विधायक जी की पत्नी थी और जिस तरह लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, इस तरीके सहदेव पुंडीर लगातार हैट्रिक के बाद बालाजी मंदिर आए हैं, यहाँ भंडारा आयोजित है इनकी जीत की खुशी में। टीना साहू, सहसपुर, उत्तराखंड तक।